भदोही की जनता हमारे प्रत्याशी डॉक्टर विनोद बिंद के साथ है। ले गए हमारी सास का विनोद बिंद ने फ्री इलाज किया और उनको अच्छे से अपने पैर से चल के मेरी सास अपने दरवाजे तक आई। हमारे विनोद बिंद बहुत अच्छे हैं, अच्छे रहेंगे, हम लोग बहुत ओर से उनको जिताएंगे। जीतने के बाद आएंगे, सबकी रक्षाई करेंगे। हाँ, उम्मीद है। अब नहीं किया तब टूट गई थी हड्डी, यहाँ हमारे गोपीगंज जवाब दे दिए थे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया कि वो लड़का चलने लगा। एक हफ्ता मेरे सास का फ्री में इलाज हुआ था। मेरी सास मतलब गाड़ी पे लद के गई थी, अपने पैर से चल के आई। हल्ला क्या रहा है, 4 जून को इसका फैसला आ जाएगा, आप सब लोग देखिएगा। वहाँ से पैसा नहीं दिया तब वो अच्छा कर दिया। हाँ, अच्छा कर दिया। अच्छा करे के बाद में वो अपने पैर से डोलते आए। हाँ, हम लोग की इतना गर्व है कि विनोद बिंद आ जाएंगे तो हमारे लोग के लिए बहुत प्रिय हैं। फिलहाल यहाँ पे कुछ माताएं हैं तो हमसे थोड़ा सा बात करने की कोशिश करते हैं कि बीजेपी का कार्य के बारे में बात करेंगे, साथ में यहाँ पर बीजेपी निकल रही नहीं निकल रही है और भी तमाम बातें हैं जो कि हम करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। जी जी, मेरा नाम मनीषा अम्बस्ट, मैं यहाँ भदोही जिले से भाजपा से जिला मंत्री हूँ। जी जी, क्या कहिएगा, क्या मतलब माहौल लग रहा है आपको? बहुत अच्छा माहौल है। 2014 से जो जिस तरीके का माहौल बनता आया है, आगे भी हम लोग उसी तरीके का माहौल बना है। हमेशा हमारे देश के प्रधानमंत्री 2 बार प्रधानमंत्री बने हैं और तीसरी बार हम लोग उन लोग को पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का कार्य करेंगे। जी, भदोही की जनता हमारे प्रत्याशी डॉक्टर विनोद बिंद के साथ है और आपने देखा कि नामांकन में इतनी भारी भीड़ के जिस तरह की संख्या इकट्ठा हुई, उस तरीके से आप लोग को अंदाजा लगी गया है कि हमारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और हम 25 मई को हम भारी संख्या में एक होके सबको भारतीय जनता पार्टी को डॉक्टर विनोद बिंद जी को भारी संख्या में सबको मतदान करना है और उनको भारी मतों से विजयी बनाना है। इसके पहले रमेश बिंद जी थे, उनका टिकट काट के क्यों उनका काटा गया, कुछ आपको उसके बारे में? देखिए, ये संगठन है और ऊपर शीर्ष नेतृत्व करने वाले जो ऊपर बैठे हैं, ऐसा नहीं है कि एक बार जिसको सांसद बनाया जाए उसको बार बार सांसद बनाया जाता है। हर एक को मौका मिलता है और हर एक को काम करने का देखा जाता है। आप 5 साल रहे हैं, 5 साल बाद किसी और को मौका दिया जाएगा और हम अपने प्रत्याशी से खुश हैं और हम तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने की, हमारी यहाँ पे जो भारी संख्या में भीड़ आई है आप उसका ये देख सकते हैं। क्या खास है मतलब उनको यहाँ उतारा गया है? अब खास से ठीक है, उनको ऊपर से टिकट मिला है, वो एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आपको पता ही है, अच्छे माहौल से पढ़े लिखे व्यक्ति, एक सभ्य समाज की नींव ही शिक्षित समाज से शुरुआत होती है। तो वो कहीं ना कहीं अगर वो पढ़े लिखे हैं और एक डॉक्टर हैं, एक डॉक्टर के पद पर रह के काम कर रहे हैं और मजमा के विधायक भी रह रहे थे और उन्होंने सांसद का चुनाव वो लड़ रहे हैं, हमारे भदोही जिले से वो प्रत्याशी हैं और आने वाले समय में बहुत अच्छा कार्य करेंगे और हमारी भारतीय जनता पार्टी और यहाँ की भदोही की जनता को उनसे कोई शिकायत नहीं होगी और हम लोग को पूरी उम्मीद के साथ उनका सपोर्ट करते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखा जाए अगर अपने जिले की बात करें, यहाँ पे जिला अस्पताल नहीं है। जी, तो जो चीज़ें नहीं है वो हमारे प्रत्याशी के आने पर हम वो चीज़ें लाने के लिए प्रत्याशी ने पूरे मन से कहा है, तो वो चीज़ें वो काम करेंगे और हमारे भदोही को विकसित और कहीं ना कहीं 1947 तक आते आते जिस तरीके से कहा गया है, तो हमारा भारत देश विकसित भारत में इस तरीके से मोदी जी ने कहा है वो आने वाले समय में दिखाई देगा। यहाँ पे वैसे तो बहुत सारी पार्टियाँ में लोग उतरे हुए हैं, ललितेश त्रिपाठी ऐसा बताया जा रहा है यहाँ पे चर्चा को, इनका भी संवेदना बना हुआ, क्या लग रहा है आपको? हल्ला क्या रहा है, 4 जून को इसका फैसला आ जाएगा, आप सब लोग देखिएगा। हम भारतीय जनता पार्टी, हमारी 2014 से सरकार थी, सरकार है, सरकार रहेगी। हम लोग पूरी तरीके से संतुष्ट है कि हमारे आने वाले 4 जून को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, मोदी जी फिर से तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। जी धन्यवाद। आइए और लोग से हम थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भैया श्रीमती सरिता बिंद, मंडल अध्यक्ष गोपीगंज। हम आए हैं राजपूत ढाबा मदनपुर गोपीगंज। मदनपुर से हैं जी भैया, आपको सपोर्ट करने के लिए आए हैं, क्या लग रहा है, क्या माहौल है? मतलब बहुत अच्छा माहौल है। हाँ। डॉक्टर विनोद जी जीत जाएंगे बिल्कुल, जीत रहे हैं मतलब। बहुत इनका व्यवहार बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा। बहुत अच्छा है। हाँ, समाज सेवा भी कर रहे हैं, डॉक्टर तो है ही हैं। हाँ किए हैं। हमारे गांव में भी एक विकलांग हो गया था, टूट गई थी हड्डी, यहाँ हमारे गोपीगंज जवाब दे दिए थे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया कि वो लड़का चलने लगा। बहुत गरीब घर का था, एक भी पैसा डॉक्टर साहब नहीं लिए थे।
ये सुनने में आ रहा है कि फ्री में इलाज किए हैं, सच है ये? सच है, हाँ सच है, हमारे बगल की बात है, ये सच है। डॉक्टर ऐसा करते हैं, डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं। आप कहाँ से? मैं गोपीगंज से, भाजपा जिला उपाध्यक्ष नीलम दुबे जी, नीलम दुबे। क्या कहिएगा, माहौल है? अरे माहौल क्या, हम लोग सीट निकाल रहे हैं, 400 पार जा रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल जा रहे हैं, 400 पार गए हैं, बिल्कुल 400 पार जा रहे हैं। कुछ लोग विपक्ष ही है ना, उसके लिए क्या बात है। आप हाँ, हम लोग करके दिखाएंगे, सारी बहुमत से करके दिखाएंगे। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? स्वरूपा बिन, ग्राम कुसौड़ा, सूर्या मंडल अध्यक्ष। आपके नजर में क्या है, मतलब कौन? हाँ, हमारे रमेश विनोद बिन बहुत अच्छे हैं, और हमारी सास का इलाज, हमारे सास का 5 जगह से जवाब हुआ था, विद्याधर की पत्नी की। अच्छा। और वहाँ ले गए हमारी सास का विनोद बिंद ने फ्री इलाज किया, और उनको अच्छे से अपने पैर से चल के मेरी सास अपने दरवाजे तक आई। हमारे विनोद बिंद बहुत अच्छे हैं, अच्छे रहेंगे, हम लोग बहुत ओर से उनको जिताएंगे। अच्छा, मैंने एक बार नहीं, 2-3 लोग से सुना कि वो फ्री में इलाज किए हैं, ऐसा सच्चाई है? किए हैं, हमारे सास का किए हैं। हाँ। हमारे सास का किए हैं, हमारे भदोही से जवाब हो गया, हम चंदौली लेकर गए, हमारे सास का फ्री में, एक हफ्ता मैंने वहाँ थे, एक हफ्ता मेरे सास का फ्री में इलाज हुआ था। मेरी सास मतलब गाड़ी पे लद के गई थी, अपने पैर से चल के आई थी। हम लोग की इतना गर्व है कि विनोद बिंद आ जाएंगे तो हमारे लोग के लिए बहुत प्रिय हैं। जीतने के बाद वो सांसद हो जाएंगे तो ये पब्लिक में रहेंगे या इलाज करेंगे, आपको क्या लगता है? नहीं, उनके घर में एक सर्जन थोड़ी ना है, 5 ठो हैं सर्जन ना। अच्छा। अरे विनोद बिंद तो आएंगे तो मतलब, और ये थोड़ी ना है को अपना डॉक्टरी से मारेंगे तो विनोद बिंद पब्लिक में नहीं आएंगे। हाँ। जैसे आए हैं वैसे आएंगे। कुछ लोग ऐसा कहना है कि अपना वो जीतने बात हो तो अपने चंदौली। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कहना है। आइए थोड़ा सा हम माता जी से बात करते हैं, कहाँ से आए हैं? कुसावड़ा से, सूर्यावा। हाँ, सूर्यावा कुसावड़ा से। हाँ, जीतने के बाद आएंगे, सबके रक्षाई करेंगे। अच्छा, हाँ उम्मीद है? हाँ हाँ उम्मीद है। अब नहीं किया तब? हाँ नहीं किएगा तो वो तो ऊपर वाला जानेंगे ना, जानेंगे। हाँ जाने के, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ 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 करते हैं भैया। हाँ, हमारे गाँव में एक सास की जेठानी की पैर टूटी है, चंदौली में वहाँ गए थे, वहाँ से पैसा नहीं दिया तब वो अच्छा कर दिया। हाँ अच्छा कर दिया, अच्छा करे के बाद में वो अपने पैर से डोलते आए। हाँ वही से हमसे, इसीलिए आप लोग उनको पसंद कर रहे हैं। हाँ विश्वास कर, विश्वास है कि आगे। हाँ हाँ हाँ, चलिए आप सभी ने देखा यहाँ पर तमाम महिलाएं थी, हमने उनसे बात किया, जानने का प्रयास किया कि यहाँ का भदोही का क्या माहौल है, कौन जीतने वाला है। आप लोग भदोही से देख रहे हैं तो कमेंट में बताइएगा कि आपकी नज़र में कौन यहाँ पर निकल रहा है, ठीक है, कमेंट कर जरूर बताइएगा। फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं रखता हूँ, मिलता हूँ उससे नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।